कुर्ला कुरेश नगर में स्वदेशी मील पर बच्चों की जान है खतरे में। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुर्ला कुरेश नगर में स्थित नगोबा चौक है, यहां पर एक बहुत साल पुराना एक मील पड़ा हुआ है। ये स्वदेशी मील जो कि काफ़ी वर्षों से वैसे ही खंडर पड़ा हुआ है। इस मील में जो है बारिश के बाद पानी भर गया था ग्राउंड फ्लोर पर, और ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरने के बाद बच्चे अक्सर यहां पर नहाने आते हैं। बता दें काफ़ी दूर दूर से लोग नहाने भी आते हैं, और कुर्ला कुरेश नगर की बात करें तो स्थानीय वहां के जो बच्चे हैं वो भी वहां पर नहाने को आते हैं। आप वीडियोज़ में देखेंगे कि किस तरीके से नहा रहे हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं और किस तरीके से अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। कुर्ला कुरेश नगर के स्वदेशी मेल की ये कहानी आप खुद भी देख करके चौंक जाएंगे कि किस तरीके से खंडर पड़ा हुआ है। तो अगर प्रशासन की बात करें तो कोई भी तरीके का देख रेख नहीं किया जाता है, चाहे तो बाउंड्री मार दिया जा सकता है लेकिन बाउंड्री भी मारा नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर बच्चों की जानों से ज़रूर ये स्वदेशी मेल खेल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो लोगों का कंप्लेंट भी जा चुका है लेकिन कोई भी तरीके का उस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और कोई भी तरीके का देख रेख नहीं किया जा रहा है। अगर इससे पहले अगर बात कर ली जाएंगे, 4 से 5 साल पुरानी बात है, एक बच्चा जो है इसमें डूबकर मर भी चुका है लेकिन मौत के बाद भी वो डैम जो है उसको छोड़ दिया गया है। हम डैम भी कह सकते हैं उसे क्योंकि वो डैम की हालत में आ गया है। अगर देखेंगे आप वीडियो में किस तरीके से बच्चे जो है वो बिना सोचे समझे उड़ी मारते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जो बंद पड़ा हुआ मील है इसको किस तरीके से प्रशासन ध्यान में रख कर के जो है कुछ ठोस कदम उठाती है या अब कोई हादसे का इंतज़ार करती है, इस पर ये बहरहाल आने वाले दिनों में मालूम। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।